तो अभी भी तुम्हारा भाई रॉकेटरी फिल्म देख के आ रहा है। इस फिल्म को देखने टाइम ना मुझे काफी बुरा फील हो रहा था यार। बुरा फील इसलिए नहीं हो रहा था कि ये फिल्म बेकार है, बुरा फील इसलिए हो रहा था क्योंकि जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना भाई, पूरा थिएटर खाली था यार। जस्ट 10-15 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स यार। बताओ ऐसी फिल्म को मात्र 10-15 लोग देखने आए हुए हैं, तुम लोग समझ सकते हो हमारे इंडियन ऑडियंस की जो सिनेमा का जो टेस्ट है किस लेवल का है यार। मतलब अगर वहीं कोई मास वाला फिल्म में आता सब कोई भर भर के देखने जाता, बट वहीं अगर कंटेंट से भरपूर कोई फिल्म आया हुआ है तो ऐसे फिल्म को किसी ने देखने नहीं गया हुआ है। ये हमारी ना एक कड़वी सच्चाई है कि हम लोग अच्छी फिल्मों को देखना ही पसंद नहीं करते हैं और सामने से चिल्लाएंगे भाई कि अच्छी फिल्म नहीं आ रही, अच्छी फिल्म नहीं आ रही है। सो स्टार्टिंग में तुम लोग से कहना चाहता हूँ प्लीज यार इस फिल्म को एक बार तुम लोग जरूर देखना क्योंकि ये फिल्म भाई डिजर्विंग वाली फिल्म, ये फिल्म किसी कैटेगरी वाली फिल्म में नहीं है कि हाँ भाई एक लिमिटेड लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। ये फिल्म ना हर लोग के लिए है। अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें इस फिल्म को भाई देखना ही चाहिए। सीरियसली मैन और साथ साथ जो अपने नम्बी नारायण सर है भाई, उनसे सीखना चाहिए कि एक्चुअली में उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया यार। ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया को इतना बड़ा बड़ा मिसाइल बना के दिया। उस इंसान के पास नासा जैसे बड़ी कंपनी का भाई ऑफर आता है और नासा जैसे बड़ी कंपनी का ऑफर को ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें अपना देश के लिए काम करना होता है। फिर वो इंसान पे देशद्रोह का आरोप लगता है। यही कहानी है इस फिल्म का। बट एक चीज और मैं तुम लोगों को यहाँ बता दूं, ये फिल्म बिना मतलब का ना कोई भी चीजों को ऐड नहीं किया गया है। मीन्स थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना भाई इसमें चीजों को नहीं डाला गया है। यहाँ जो मेकर्स हैं वो लोग भाई टू द पॉइंट अपने फिल्म को लेके बात कर लेते हैं। इस फिल्म के एक्टर की इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं आर माधवन सर, और हम सबको पता है भाई आर माधवन कितने अच्छे एक्टर हैं। बट इस फिल्म को देखने के बाद तुम बोलोगे भाई आर माधवन सर तो भाई एक अच्छे एक्टर तो है ही, उसके साथ साथ ये एक अच्छे राइटर भी हैं और साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी है यार। सीरियसली मतलब क्या डायरेक्शन दिखाई है यार। ऐसे डायरेक्टर लोगों की ना हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को ना काफी ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम लोग एक राज की बात बता रहा हूँ। आजकल तुम्हारा भाई शॉपिंग करके ना भाई काफी तगड़ा वाला पैसा कमा रहा है और ये चीज मैं कर रहा हूँ कैश करो ऐप के जरिए। कैश करो ऐप इंडिया का लार्जेस्ट कैशबैक ऐप है जिसको खुद रतन टाटा ने फंडेड किया हुआ है। ये ऐप पे तुम्हें ना 1500 से ज्यादा वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जैसे अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, जियो हो गया, इन सब जगह शॉपिंग करके तुम एक्स्ट्रा कैशबैक कमा सकते हो। और ये कैशबैक भाई तुम अपने अकाउंट में भी इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। स्क्रीन पे आ रहा है तुम देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा भाई इसे कमाई किया हुआ है। सो सोच क्या रहे हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ मेरा कूपन कोड तुम लोग यूज करना ना भूलना, संजू25। तो जो भी लोग इस कूपन कोड को यूज करेंगे उनको मिलेगा इंस्टेंट 25 रुपीज का बोनस। और एक और मजे की बात है, कैश करो आप एक तगड़ा वाला गिव अवे भी कर रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन करो किसी भी वेबसाइट पर किन्हीं दो लोगों को मिलेगा बोट का ब्लूटूथ हेडफोन और साथ साथ 10 लक्की विनर को मिलने वाला है Amazon गिफ्ट वाउचर, वो भी 500 रुपए का। ये ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से जाके ये ऐप को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू पॉइंट, आते अपने वीडियो और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वाला सीन है मैन, जब ये शाहरुख खान होते हैं अपने जो यहाँ नारायण सर होते हैं उनके बीच का जो भी कन्वर्सेशन चल रहे होते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग से ही चल रहा होता है, पर जो लास्ट वाला का जो सीन है ना भाई वो सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है यार। मतलब नारायण सर का जो पेन है ना भाई उसे तुम एकदम फील करोगे यार, और उस टाइम तुम रो दोगे मैन। सीरियसली यार मतलब एक टाइम के लिए मैं भी रोने लगा था यार कि इनके साथ क्या क्या होगा यार, मतलब कितना बुरा किए हैं यार इन लोगों ने। मैं हाथ जोड़ के तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज इस फिल्म को तुम लोग जाके देखो यार, प्लीज जाके देखो यार। ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है यार, और ऐसे फिल्म को भाई हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए यार। मैं बार बार किसी फिल्म को लेके इतना इंसिस्ट नहीं करता हूँ, बट इस फिल्म के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म भाई डिजर्विंग फिल्म है यार। जो चीज़ें डिजर्विंग होती है उन चीज़ों के लिए भाई दिल से आवाज़ निकलती है। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।